नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हो रियल फार्म एजुकेशन चैनल और मैं विकास गौर। आज किसान भाइयों इस वीडियो में बात करेंगे कुछ डंप आलू के बारे में जो हम खुद बुलंदशहर में डंप का विजिट करके आए हैं, और उसके बाद किसान भाइयों मैं बताऊंगा किस किस मंडी में आई तेजी, किस मंडी में आई थोड़ी सी गिरावट, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और आने वाले टाइम में कहां पे आ सकती है तेजी, क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अभी जो हम डंप का जैसे विजिट में करके आया हूं बुलंदशहर में, तो वहां पर डंप की स्थिति आखिर क्या है, क्योंकि कैमरे के सामने तो एक दो वीडियो आप लोगों को दिखाई दी है, लेकिन हमने तो वहां पर काफी कुछ ज्यादा देखा है और काफी किसान भाइयों से अलग तरीके की हमने बात भी की है। तो देखिए, वहां पर जितनी बार डंप है आपके बुलंदशहर में या कहीं पे भी, आपको किसी भी डंप से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। देखिए, जो आपने वीडियो देखी थी किसी की 10,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 5,000 है, उन सभी डंपों के ऊपर 6-6, 7-7 कंपनी वाले बैठे हैं खरीदने के लिए। यानी इस समय करौरा, बुलंदशहर या काफी कुछ जो गांव में डंप है वहां पे 6-7 कंपनी इस समय एक्टिव हैं आलू को खरीदने के लिए, लेकिन थोड़ा वो रेट का इंतजार करके आलू को बेचना चाह रहे हैं। अभी भी वहां पर धड़ाधड़ 15 से 20 गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों की लोडिंग हो रही है, जिस गाड़ी में 500 से 600 पैकेट आते हैं, अभी भी डेली गाड़ी लोड हो रही है 10 से लेके 15। और वहां पे जो हमें किसान भाइयों ने खुलासा किया था बुलंदशहर में, वो ये खुलासा किया था कि इस साल जो डंप है हम चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। मतलब आलू का जो हमें रेट मिल रहा है इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम चाहकर भी डंप को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन एक और यहां सच्चाई दिखने लग गई है, वो सच्चाई ये है कि पिछली बार हल्की फुल्की एक दो बारिश पड़ने की वजह से थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा भयंकर लेवल की गर्मी है कि वो डंप को उस गर्मी की वजह से भी रोक पाएंगे और कुछ रेट भी अच्छा है, तो उसमें वो डबल नुकसान क्यों करें, उन किसान भाइयों का ये कहना है। तो सीधी सी बात यह है कि पिछली बार आपके बुलंदशहर की डंप मई लास्ट और जून तक के कुछ हफ्ते तक चली थी, लेकिन इस बार लगभग 80% डंप अप्रैल तक बिल्कुल साफ हो जाएंगी, या 90% बता रहे हैं वो लोग ये बता रहे हैं कि 90% हम अप्रैल में ही खाली हो जाएंगे, एक महीने पहले ही डंप हमारी खत्म हो जाएंगी इस साल 2024 में। तो इससे आप लोगों को बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, उस आलू से ना तो मंडी का कोई मतलब है, ना कोल्ड का कोई मतलब है, ना किसी भी व्यापारी का कोई मतलब है, सीधा कंपनी के एम्प्लॉई हैं वहां पे और सीधा अपने आलू को ले जा रहे हैं और कंपनियों में वेफर पास करके आराम से उनका काम हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे कंपनियां मैंने खुद देखी थी, कंपनियां के लोग वहां थे, 6-7 कंपनियां हैं, पेप्सिको कंपनी है या और भी कंपनी है, इन सभी कंपनियों के वहां एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। अब एक और मैं आप लोगों को जरूरी बात बताऊंगा, इस समय बंगाल के बारे में जो खबर आ रही है, देखिए बंगाल के बारे में जितनी आपको कम पैदावार बताई जा रही थी लमसम, उससे तो 1-2% पैदावार ज्यादा आने के चांस हैं, लेकिन पिछली साल 2023 से पैदावार कम आने के चांस हैं। और इस समय बंगाल में आलू दागी भी जो हो रहा है उससे भी काफी कुछ परेशानी वहां देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बंगाल में मार्केट डाउन है। अभी मैं आपको कुछ भाव भी बताऊंगा और कुछ जरूरी बातें भी बताऊंगा। और देखिए, इस समय मेरे पास एक जानकारी है बाराबंकी की, बाराबंकी में कल एक हादसा हुआ है, जो बच्चों की स्कूल बस है वो पलट गई है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की वहां पे मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से हम इस चीज के बारे में बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि उन बच्चों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों को शक्ति मिले, इसके बारे में हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि बाराबंकी की हम जानकारी देते रहते हैं और बाराबंकी में ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है, और अब मैं किसान भाइयों कुछ भाव के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे बाराबंकी के बारे में एक और नई जानकारी, क्योंकि बाराबंकी के आलू में मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 5-6 दिन तक कुछ गिरावट रहने के चांस हैं, क्योंकि जहां पे भी बाराबंकी का आलू जाता है, जिस जगह बाराबंकी के आलू की डिमांड है वहां पे आलू में गिरावट देखने को मिली है। बिहार की मैं बात कर रहा हूं, बिहार में सिंदूरी आलू जो पहले, यानी राजेंद्र वन या सिंदूरी आलू जो बाराबंकी का आलू था, वो 22 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब स्थिति में वो 18 से 20 रुपए किलो पे आ चुका है, यानी 100-200 रुपए की गिरावट के कारण बाराबंकी में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, ये खबर वहां पे मिल रही है हमें बिहार से। लेकिन अब ये गिरावट क्यों है, देखिए इसके पीछे कई कारण है, इसके पीछे आपका जो बंगाल है, बंगाल से भी आलू सीधा बंगाल बिहार में भी आने लग गया है, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों जयपुर मंडी की, जयपुर मंडी में लगभग 50-60 गाड़ी पहुंच रही है और 16 से लेके 20 रुपए किलो बीएपी क्वालिटी, तो 21 रुपए किलो आलू बिक रहा है। अब बताइए 21 रुपए किलो यानी 1,050 रुपए का कट्टा बिक रहा है, दिल्ली मंडी इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है आज की डेट में। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं किसान भाइयों, मैं यहां पे
पुणे मंडी की। पुणे मंडी में आज किसान भाइयों 20 से लेकर 22 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी तो 23 रुपए किलो आलू यहां बिके हैं। लगभग 30-35 गाड़ी यहां पहुंच रही है पुणे मंडी में। मुंबई मंडी की बात करें तो 45-50 गाड़ी पहुंच रही है। यूपी का आलू 18 से लेकर 20 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 21-22 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। हाईब्रिड बिक रहा है 15 से लेकर 17 रुपए किलो, वीआईपी तो 18 रुपए किलो। और यहां पे किसान भाइयों एमपी का आलू बिक रहा है, सॉरी हाईब्रिड आलू लो क्वालिटी का बिक रहा है 15 से 17 रुपए किलो, अच्छी क्वालिटी का बिक रहा है 18 से 20 रुपए किलो तक। एमपी के आलू की बात करें, एमपी का आलू बिक रहा है 22 से लेकर 24 रुपए किलो, और गुजरात का जो पोखराज आलू वो बिक रहा है 17 से लेकर और 19-20 रुपए किलो तक वीआईपी क्वालिटी का। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों दिल्ली मंडी की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बता दूं, दिल्ली मंडी की इस समय कुछ चर्चा ज्यादा होने लगी है, काफी चैनलों पर भी हो रही है, और काफी मतलब दिल्ली वाले भी चैनल वाले या जो भी आड़तियां हैं या वहां के दिल्ली के जितने भी चैनल वाले हैं वो भी यूपी के चैनल वालों को गलत बोल रहे हैं, और कुछ चैनल वालों की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि यूपी वालों के लिए गलत बोले, क्योंकि उनको पता है उनका चैनल ज्यादा से ज्यादा 90% यूपी में ही देखा जाता है आलू आलू की खबरों के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और यहां पर नई चीज बता दूं, दिल्ली में आप जो भी भाव देख रहे हो लमसम वही भाव बन रहे हैं, कोई भी तेजी कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। गाड़ी आज 111 है और 34 गाड़ी कल का बैलेंस है। पुखराज आलू 700-750 रुपए, 37-98 800-850 रुपए, चिप्सोना 850-900 रुपए, सूर्या 1,000-1,100-1,200 रुपए तक यहाँ पे बिक रहा है, यही रेट बने हुए हैं। लेकिन अब मुझे ये भी खबर मिली है कि दिल्ली के कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यूपी में तो कोल्ड नहीं खुले अभी, ऐसा कुछ नहीं है, जूट का आलू खुला है, मतलब जो बीज वाले चैम्बर होते हैं अलीगढ़ में वही आलू लोडिंग हो रहा है। तो भाई देखो, राशि कोल्ड में या अर्जुन कोल्ड में या और कोल्डों में जो भी आलू बिका है वो आपके शुगर फ्री में ही बिका है, जो 1,050 रुपए तक की बोली लगी है, 1,051-1,052 रुपए तक की बोली लगी है, ये मैं आपको कोल्ड का भाव बता रहा हूं। और रही बात देखिए दिल्ली के बारे में, अभी इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि दिल्ली में मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है जो वहां पर डंप जा रही है वो यूपी से इतनी डंप नहीं जा रही है, संभल में थोड़ी बहुत है जो आलू जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर पंजाब का आलू भी काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। पंजाब में बाहर डंप काफी लगी हुई है उन लोगों की जो हाईब्रिड आलू है, और वो सीधा दिल्ली में भेज रहे हैं, और दिल्ली में हाईब्रिड जितना जाता रहेगा मार्केट उतना ही मतलब मीडियम ही रहेगा, और जिस दिन मार्केट हाईब्रिड का हटेगा उसके बाद दिल्ली मंडी में थोड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में दिल्ली में तेजी देखने को आप लोगों को जरूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ नवरात्रि के टाइम पे भी कुछ माहौल बनेगा। दूसरी बात, इधर आपकी डंप धीरे धीरे कम हो जाएंगी तो आप लोगों को 2-3 फायदा यहाँ पे मिलने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि कोल्डों से आलू दिल्ली वालों को सस्ता मिलने वाला नहीं है, ये सभी लोग भूल जाएं, क्योंकि कोल्ड से आलू सस्ता इसलिए नहीं मिलेगा, कोल्ड में 1,000 रुपए से ऊपर बिक रहा है, दिल्ली में 850 बिक रहा है या 900 बिक रहा है, तो उनका पड़ता आएगा नहीं, तो दिल्ली में जो आलू जाएगा वो तेज रेट का जाएगा, तो इस वजह से दिल्ली वालों को भी रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे और किसान भाइयों के आनंद आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, और एक तरफा बात नहीं की जा सकती है, चाहे दिल्ली वाले हो चाहे कोई हो, लेकिन हाँ ये है कि कुछ वहां के चैनल वाले को ज्यादा स्मार्ट बनने, इतना स्मार्ट बनने की जरूरत खैर है नहीं है, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि जनता सबको जानती है भाई, आप कमेंट को बंद कर देते हो, कुछ भी कर देते हो भाई, हमें भी काफी लोग कुछ 1-2% होते हैं जो गलत बोल देते हैं, हमारी कभी कमेंट बंद नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो तो इन कमेंटों को बंद करते डोल लो या कुछ भी ऐसे काम मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली वाले अगर आड़ती है, आज मैं कह रहा हूं कि उनको किसानों को अच्छा रेट देंगे, उनके लिए हम दिल से साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनकी मंडियों को काफी ऊंचा पहुंचाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें रोज उनकी तारीफ कर रहे हैं हम दिल्ली वालों की। जिस मंडियों में आलू किसान भाइयों का सही बिकेगा और उनको पैसा मिलता रहेगा उस मंडी की वाहवाह होती रहेगी, चाहे वो दिल्ली मंडी हो, चाहे वो कोई साउथ की मंडी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की मंडी हो, चाहे कहीं की भी हो। आज जिस मंडी में गिरावट है वहां की हम गिरावट के बारे में बोलेंगे, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिलहाल यहां पर मुझे महसूस भी होने लगा है कि दिल्ली वाले इस बात को समझ के अब कुछ ना कुछ वो करने की फिराक में हैं, वो आलू में कुछ ना कुछ अच्छा करने के बारे में ज्यादा अब बातें करने लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आलू में अच्छा कराएंगे वो, क्योंकि उनकी बातों से लगने लग गया है, क्योंकि उनको भी बार बार वही चीज देखने को सुनने को मिल रही है कि रोज डाउन डाउन डाउन, और वहां के चैनल वाले भी बोलने लग गए कि अरे यूपी में तो ये हो गया कि वो हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि यूपी के चैनल वालों की भी थोड़ी वाहवाह होने लगी है दिल्ली तक। और भैया सीधी सी बात है, हम भी दिल्ली मंडी में गए थे वीडियो बनाने, हमें तो काफी आड़तियों ने खूब वीडियो बनवाई थी, लेकिन जो चैनल पे आपको आड़ती आ रहे हैं उन्होंने हमसे बना कर दिया था, मैं आपको खुल के बोलना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन जिनने मेरे साथ वीडियो बनवाई उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, काफी अच्छे लोग हैं दिल्ली में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहां पे अगर कोल्ड का आलू 850 रुपए मान के चलो कोई किसान बेचेगा नहीं आलू, 900 रुपए भी कोई नहीं बेचेगा, 1,000 रुपए से नीचे कोई आलू नहीं बेचेगा कोल्ड में। और दिल्ली में अगर मान लो 800 रुपए या 900 रुपए बिक रहा है, वो आलू कौन सा बिक रहा है सभी लोगों को पता है, वो डंप वाला बिक रहा है। डंप वाला आलू जब तक वहां पे डाउन नहीं होगा, जब तक वहां पे
ये आपके कोल्ड के आलू की कदर नहीं होगी। तो आपसे बस यही विनती है, कोल्ड इस साल जल्दी खुलना है, आप जल्दबाजी मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घबराओ मत। किसान भाइयों को केवल एक ही बात है कि आपको इस साल घबराने की बिल्कुल जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी कोल्ड में बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई दिल्ली की अभी जो स्थिति है वो डंप के आधार पर है और आप कोल्ड के आधार पर देख रहे हो, जबकि मेरा ये मानना है कि इस समय कोल्ड ही एक महीने पहले खुल रहे। भाई पहले कोल्ड आप देखिए मई में जाके खुले थे, और इस साल आप देख लीजिए कोल्ड खुल रहे आपके अप्रैल में जाके, और पहले हफ्ते में खुल गए कोल्ड, ठीक है। या आप अगर आज अगर दिल्ली मंडी में 1100 रुपए का रेट हो जाए 37-97 का, तो सभी कल कोल्ड सब कोल्ड खुल जाएंगे अलीगढ़ के या और क्षेत्रों का भी खुल जाएंगे। तो भैया सीधी सी बात है, ये थोड़ा इंतजार कीजिए, भाव आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी जल्दीबाजी मत करो। कोल्ड में अभी आपने आलू रखा है, भाड़ा 150 रुपए कट्टा भाड़ा देना पड़ेगा, शुगर फ्री में सब कुछ करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक काम करते रहो, देखते रहो, ठीक है। और छिबरामा मंडी की बात करें 37-97 850 से लेकर 870-900 रुपए तक, और हाईब्रिड बिक रहा है छिबरामा में आज 700 से लेकर 750 रुपए, थोड़ा रेट डाउन हो गया है, ठीक है। जो 1600 रुपए वाला आज 1500 रुपए हाईब्रिड हो गया है। फरुखाबाद मंडी की बात करें 25-30 मोटर वहां पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा 35 मोटर पहुंच रही है। हाईब्रिड आलू बिक रहा है, मतलब हॉलैंड आलू बिक रहा है 950 से लेके 1000 रुपए, और हाईब्रिड बिक रहा है 1500 से लेके और 1670 रुपए क्विंटल तक यहाँ पे बिक रहा है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसान भाइयों बाराबंकी में 1800 से 1900 रुपए की बिल्टी है, और ज्यादातर 1800 रुपए की ही बिक्री हो रही है, ठीक है। और चेन्नी मंडी की बात करें, चेन्नी मंडी में यूपी का आलू बिक रहा है 26 से लेके और यहाँ पे 28 रुपए किलो, बीआईपी तो 28.5 तक भी बिक गया है। कोलार का आलू बिक रहा है 1000 से लेके लगभग 1200 रुपए 40 किलो की तोल में। अब मैं बात करता हूँ बेंगलोर की, बेंगलोर मंडी में 24 से लेके 27 रुपए किलो बीआईपी है, तो 28 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। एमपी का आलू बिक रहा है 24 से लेके 28 रुपए किलो। तो किसान भाइयों मैसूर मंडी की बात कर लेते हैं, 25 से लेके 26 रुपए किलो यहाँ पे आलू बिका है। तो ये तो रहे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, ठीक है। आप लोगों को कोई भी कहीं से परेशानी नहीं है आलू में, अभी आप इतनी जल्दी और इतना घबराहट पैदा मत कीजिए कि ये हो गया उस मंडी में ये हो गया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन और देखिए मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाह रहा हूं बंगाल के बारे में, इस समय बंगाल का आलू कुछ मंडियों में जा रहा है, बिहार की झारखंड छत्तीसगढ़ इधर मंडियों में जा रहा है, तो यूपी के आलू पर इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि यूपी का भी आलू इधर मंडियों में जा रहा है, क्योंकि बंगाल को क्यों लाना पड़ रहा है, बंगाल का आलू है दागी, अब दागी आलू तो निकालना पड़ेगा नहीं, और ज्यादा दागी हो जाएगा। तो जब भी दागी आलू किसी भी मार्केट में जाता है तो वो उस मार्केट को इफेक्ट करता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो किसान भाइयों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आप अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं विकास गौड़, रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है, नमस्कार।